तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो गाइस, मैंने ये पावर बैंक ऑनलाइन मंगाई है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। और ये ओरेमो कंपनी की पावर बैंक है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छी पावर बैंक है, जो मुझे करीब 1,000 रुपये में पड़ी है। और ये 20,000 मेगा हर्ट्स की है। तो इसी वजह से दोस्तों मैंने ये पावर बैंक ऑनलाइन मंगाई है। तो इस तरीके से ये बॉक्स आता है दोस्तों, इस पावर बैंक का। और अभी दोस्तों मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा और मैं बताता हूँ दोस्तों ये कैसी है पावर बैंक। तो वैसे दोस्तों मैंने पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है और मैंने करीब 8 दिन इसको यूज़ किया है। और इसके बाद मैं अभी इसका वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने सोचा दोस्तों ये पावर बैंक 1,000 रुपये में बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा इसकी अनबॉक्सिंग करके आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँ। तो दोस्तों इसके साथ ये एक V8 का चार्जिंग केबल आता है। ये टाइप सी नहीं है, ये V8 का है। मतलब ये वो जो सादी पिन रहती है मोबाइल की, ये उस तरीके का है ये चार्जिंग केबल। और ज़्यादा ज़्यादा इसमें कुछ एसेसरीज नहीं आती, सिर्फ ये केबल और ये पावर बैंक आती है अपनी, जो कि 20,000 मेगाहर्ट्स की है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसमें ख़ास बात यह है इसकी कि इस पावर बैंक को आप टाइप सी केबल और इस V8 केबल से दोनों से चार्ज कर सकते हो। और इसमें दो आउटपुट है चार्जिंग के लिए, यानी कि एक साथ आप दो मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और साथ ही इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें एक LED लाइट दिया गया है। जब भी आपके घर में अगर अंधेरा हो जाए या फिर आप कहीं इमरजेंसी में बाहर हो, तो आपको ये लाइट के लिए इसमें अच्छी सुविधा दी गई है LED लाइट की। और इसमें यह जो बटन है दोस्तों, ये अगर हम इसको प्रेस करेंगे 2 बार तो ये लाइट जल जाती है, जैसे कि। तो ये देखिए, ये मैंने 2 बार इसको प्रेस किया और ये लाइट जल गई। और इसका उजाला काफ़ी अच्छा है, जो कि अंधेरे में जैसे आपकी एक खोली को पूरा रोशनी से भर देता है। तो ये काफ़ी अच्छी है, इसको 2 बार फिर प्रेस करने से ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है लाइट। तो ये अच्छी पावर बैंक है 1,000 रुपये में, और ये कोई बुरा सौदा नहीं है। और ये 20,000 मेगाहर्ट्स है, क्योंकि कंपनी की 10,000 मेगाहर्ट्स वाली ही करीब 1,000 रुपये में आती है। लेकिन ये ओरेमो की मैंने पहली बार ये ऑनलाइन मंगाई है और ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। इसमें कुछ ख़ास बातें दिखाया लिखी है इस बॉक्स पर। हाई कैपेसिटी डुअल USB आउटपुट, 2.1 फास्ट चार्जिंग है आउटपुट इसका। और SOS लाइटनिंग अलार्म, ये जो फीचर है इसका। इसके बाद एंटी स्क्रैच टेक्सचर, मतलब ये इसकी बॉडी जो है दोस्तों, ये प्लास्टिक की ही बनी है, लेकिन ये क्रैश रेसिस्टेंस है, ऐसा कंपनी का मानना है। इसमें मतलब इसमें कुछ ये नहीं पड़ते स्क्रैचेस वगैरह। और इसकी ये काफ़ी हेवी है, मतलब ये 20,000 मेगाहर्ट्स की है, तो ये हेवी तो होगी ही शायद। और इसमें ये कुछ डिटेल्स या इस बॉक्स में लिखे हैं, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन ये चाइना की है, लेकिन एक यूपी की कंपनी है जो इसको इंपोर्ट करती है और इंडिया में अपने नाम से बेचती है, लेकिन ये मेड इन चाइना ही है। लेकिन और इसकी खास बात यह है कि ये 1 साल की वारंटी के साथ आती है। और लेकिन ये काफ़ी अच्छे हैं मेरे को, मैंने अभी इसको 8 दिन हो गए हैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल 6,000 मेगाहर्ट्स का है, मेरे मोबाइल की बैटरी, तो ये मेरी बैटरी को लगभग 3 बार आराम से चार्ज कर देती है। मतलब 6×6 मतलब 18 मेगाहर्ट्स, मतलब मेरा मोबाइल ये 3 बार आराम से चार्ज कर देती है ये पावर बैंक। और काफ़ी थोड़ा फास्ट ही कर देती है, 1 घंटे में मेरा मोबाइल इस पावर बैंक से चार्ज हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी पावर बैंक है। और अभी फ्लिपकार्ट पर ऑफर चल रहा है, इसके तहत मैंने ये 1,000 रुपये में मंगाई है। मतलब मेरे को ये 1,004 रुपये में पड़ी, और अभी 100 रुपये बढ़ गए हैं, फ्लिपकार्ट वालों ने 100 रुपये इस पर बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप भी दोस्तों किसी अच्छी पावर बैंक की तलाश में हैं, तो ये ओरेमो की आप पावर बैंक मंगा सकते हो, जो काफ़ी मेरे को अच्छी लगी। और ऐसी है इस पावर बैंक। तो चलिए, इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।